बहुत समय पहले एक जंगल में शेर सिंह नाम का एक शेर रहता था। शेर सिंह उस जंगल का राजा था। वो बहुत ताकतवर होने के साथ साथ बहुत गुस्से वाला भी था। कभी कभी वो इतना गुस्सा हो जाता था कि वो किसी की भी नहीं सुनता था और गुस्से में बहुत गलत फैसले ले लेता था, जिसका फल जंगल के जानवरों को भुगतना पड़ता था। एक दिन शेर सिंह अपने साथी बबलू के साथ नदी के किनारे सैर कर रहा था। तभी नदी को देखकर उसने बबलू से पूछा, बबलू, ये नदी कहाँ जाती है? महाराज, ये नदी हमारे जंगल से निकलकर पूर्व दिशा में दूसरे जंगल की तरफ जाती है। क्या दूसरे जंगल के जानवर भी इस नदी का पानी इस्तेमाल करते हैं? महाराज, दूसरे जंगल के जानवर भी हमारी तरह इस नदी का पानी पीते हैं और इसमें नहाते भी हैं। जैसे ही शेर सिंह ने ये सुना, वो गुस्से से आग बबूला हो गया। ये नदी हमारी है और इस नदी का पानी कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। शेर सिंह को गुस्से होता देख बबलू ने समझाने की बहुत कोशिश की, पर महाराज नदी तो। लेकिन शेर सिंह उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, तुम आज ही जंगल की सीमा पर दीवार बनवा दो। आज से हम अपना पानी पूरब के जंगलों की तरफ नहीं जाने देंगे। पर महाराज, ऐसा करने से तो बहुत नुकसान हो जाएगा। कैसा नुकसान? बबलू, तुम्हें फायदे और नुकसान के बारे में कुछ नहीं पता। तुम जल्दी से मेरी आज्ञा का पालन करो बस। बबलू जानता था कि ये गलत है, पर शेर सिंह के गुस्से के आगे वो कुछ नहीं बोल सका और उसने जंगल की सीमा पर दीवार बनवा दी। दीवार देखकर शेर सिंह बहुत खुश हुआ, पर उसकी मूर्खता की वजह से नदी का पानी जंगल में जमा होने लगा और देखते ही देखते जानवरों के घरों में घुसने लगा। इससे परेशान होकर जंगल के जानवर बबलू के पास गए और बोले, बबलू जी, पानी इसी तरह बढ़ता रहा तो हम सब पानी में डूबकर मर जाएंगे, आप कुछ कीजिए। बबलू जी, कृपया आप कुछ कीजिए। बबलू उन सभी की परेशानी को समझते हुए बोला, आप सभी चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। बबलू का आश्वासन पाकर सभी जानवर वहां से चले गए। उनके जाते ही बबलू सोचने लगा, महाराज बहुत गुस्से वाले हैं। अगर मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की तो वो मुझे मार डालेंगे। तभी उसे एक तरकीब सूझी और वो अपने घर जाकर आराम से सो गया। फिर जैसे ही आधी रात हुई, बबलू जागा और पास में रहने वाले बिल्लू भालू के पास गया। बिल्लू रोज सुबह एक बड़ा घंटा जोर से ही बजाता था, जिससे शेर सिंह और सभी जानवरों को पता चलता था कि सुबह हो गई है। बबलू ने बिल्लू से कहा, बिल्लू, सुबह हो गई है, घंटा बजा दो। ये सुनकर बिल्लू चौंक कर बोला, पर बबलू जी, अभी तो आधी रात हुई है, महाराज को पता चला तो वो मुझे मार डालेंगे। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बबलू के ऐसा कहने पर बिल्लू मान गया और उसने जोर से घंटा बजा दिया। घंटा बजते ही सभी जानवर जाग गए। शेर सिंह भी गुफा के बाहर आया। बाहर आके उसने देखा कि चारों तरफ अंधेरा था, सूरज का कहीं अता पता नहीं था। ये देखकर वो गुस्सा हो गया और बिल्लू से बोला, तुम्हें दिखाई देना बंद हो गया है क्या? दिखता नहीं, सूरज निकलने में अभी बहुत समय है। ये सुनकर बिल्लू डर के मारे कांपने लगा। पर महाराज, मैंने ये सब। तभी बबलू बीच में बोल पड़ा,
महाराज, इसमें बिल्लो की कोई गलती नहीं है। बिल्लो ने तो रोज के समय पर ही घंटा बजाया है। लगता है जैसे आपने पूरब में रहने वाले जानवरों का पानी रोका है, ऐसे ही पूरब में रहने वाले जानवरों ने पूरब से निकलने वाले सूरज को हमारे जंगल में आने से रोक दिया है। इसलिए अब हमें चांद की रोशनी में ही रहना पड़ेगा। ये सुनकर शेर सिंह बहुत गुस्सा हो गया और बोला, पूरब के जानवरों ने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? बबलू, तैयार करो सभी को, हम आज ही पूरब के जंगलों पर हमला करेंगे। पर महाराज, इतने अंधेरे में तैयारी कैसे होगी? और बिना तैयारी लड़ने गए तो हमारी हार पक्की है। तो तुम क्या चाहते हो, हम बिना सूरज के रहें? हम ऐसे अंधेरे में नहीं रह सकते। फिर तो महाराज, इसका एक ही उपाय है। कैसा उपाय? अगर आप पूरब के जानवरों के लिए पानी छोड़ दें, तो पूरब के जानवर भी हमारे लिए सूरज को छोड़ देंगे। नहीं, हम अपना पानी किसी को नहीं देंगे। इस पर बबलू बहुत चालाकी से बोला, ठीक कहा महाराज, हम अपना पानी मुफ्त में नहीं देंगे, पर हम पानी के बदले पूर्व के जानवरों से सूरज का व्यापार तो कर ही सकते हैं। शेर सिंह को बबलू की ये सलाह बहुत अच्छी लगी तो वो तुरंत ही उसकी बात मान गया और बोला, ठीक है बबलू, तुम जल्दी से ये दीवार तुड़वा दो और पूरब के जंगलों में ये संदेश भेज दो कि आज से हम उन्हें अपना पानी देंगे और बदले में वो हमें अपना सूरज देंगे। शेर सिंह के ऐसा कहते ही बबलू ने दीवार तुड़वा दी। जब तक दीवार टूटी तब तक असली में सूरज के निकलने का समय हो गया। देखते ही देखते सूरज की रोशनी पूरे जंगल में फैल गई और नदी का सारा पानी भी जानवरों के घरों से निकलकर बहता हुआ जंगल से बाहर चला गया और नदी फिर से पहले जैसे बहने लगी।